What is up guys? तो मेरा नाम है बूस्टर माइंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि आप 5 दिनों में कॉन्करर कैसे पहुंच सकते हो, वो भी डायमंड से कॉन्करर तक एकदम इजीली। आपको सबसे मेन चीज होती है कॉन्करर पहुंचने के लिए कि वो है स्ट्रेटजीज। अगर आपको पता होना तो आप कॉन्करर इजीली पहुंच सकते हो हर बंदे लोग की तरह। मैं बताने जा रहा हूं जो चरबा ने मुझे बताया है उसके ऊपर। उसने 144 मैचेस में कॉन्करर पहुंच गया होता, वो भी 8.67 की KD में। तो गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको तब फॉलो करनी जब आप डायमंड के ऊपर आ जाओ, तभी से आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज और ये मूवमेंट्स करने होंगे। ये सारे के सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके गाइस, सबसे मेन चीज आती है कि ड्रॉप लोकेशन, आपको उतरना कहां पे होता है, ठीक है। तो गाइस एक बार आप डायमंड के ऊपर आने लग जाओगे, डायमंड 3 डायमंड 2, तभी आपको आपके ड्रॉप लोकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। यानी कि आपको कोई हॉट ड्रॉप नहीं लेना है, जैसे कि पोचिंग के हो गया, रिजॉक हो गया, स्कूल हो गया, जॉर्जपुल हो गया, जॉर्जपुल सिटी हो गया, लिपको हो गया, कोई भी सिटी में नहीं जाना है। जैसे कि आपको सिटीज का मतलब तो पता होगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, मिल्टा पावर, मिलिट्री, नोवो, ऐसी अब जगह पे जाना बिल्कुल अवॉइड करना है। तो अब आप पूछोगे जाना कहाँ है फिर, ठीक है। तो घटका में भी नहीं जाना है आपको, एक्चुअली में छोटे छोटे कंपाउंड पकड़ने, छोटे छोटे कंपाउंड से मेरा मतलब है जहाँ पे 3-4 घर ही हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वैसे 3-4 घर ऐसे पकड़ो जहाँ पे आपको गैराज भी मिल जाए। जैसा अभी मैं मैप में दिखा रहा हूँ, ये जो एल तरीके के आपको डॉट्स दिख रहे होंगे स्कूल के बाजू में, ये देखो, ये जो अभी येलो मार्क जो दो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होता है। एक तो देखो कंपाउंड्स मिलते हैं, कंपाउंड्स में आपको 4 घर में इनफ लूट तो मिल ही जाएगी, ठीक है। एक एक ना 2 SMG तो डेफिनेटली मिल जाएगी, नसीब में हुआ तो 1 AR भी मिल जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ में आपको गाड़ियां बहुत दिखेगी, क्योंकि रोड तो आसपास में है ही और गैराज भी है, तो डेफिनेटली गाड़ी मिलने के बहुत चांसेस। जैसा आप देख सकते हो मुझे डेफिनेटली 1 गाड़ी तो मिल ही जाएगी, या रोड पे या तो गैराज पे, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि लूटने का क्या सीन है, यहाँ पे बहुत लूट मिल जाती है अच्छी खासी, तो आप यहाँ पे लूट भी सकते हो और साथ ही साथ में आपको कवर मिलेगा इतना अच्छा खासा, और कोई आता नहीं यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी जगह पे। तो गाइस आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आता तो आप उठते उठते भी देख सकते हो कि कोई आपके आगे पीछे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ओपन एरिया है, ठीक है। अगर आप बोलोगे वहां पे आपको लूट नहीं मिलती तो आपको यहाँ पे आ जाना है वहां से यहाँ पे, तो ये वाले कंपाउंड में भी आप आके लूट सकते हो, बहुत अच्छी खासी लूट मिलेगी आपको यहाँ पे भी। तो अभी आप बोलोगे कि आपने 8 घर लूट लिए, 8 घर में भी आपका नसीब कुछ अच्छा खास रहा नहीं, आपको कहाँ पे भी लूट नहीं मिली, तब आपको मैं बताता हूँ कि आपको गाड़ी पकड़ के डायरेक्टली, मैं भी ये जो जगह दिखा रहा हूँ यहाँ से आपको मूवमेंट लेना है ये वाले जगह पे। यहाँ पे भी आगे यहाँ पे 2 घर है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। अब भी आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से लूटते हुए वहाँ तक जाना है। तो गाइस इसमें फायदा क्या होता है कि आपका टोटली एक जोन चला जाएगा इसमें और आपके पॉइंट्स माइनस नहीं हो गए इतने में। तो गाइस मैं आपको सबसे बेहतरीन ऐप बताने जा रहा हूँ, नॉक्स लकी वॉलपेपर ऐप। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई इसकी प्ले स्टोर की और ऐप स्टोर की, तो वहां जाइए, इसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पे आपको कैटेगरीज 20 से भी ज्यादा कैटेगरीज मिलेगी, जहाँ पे आपको 6 लाख से भी ज्यादा इमेजेस देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी इमेज चाहिए जाइए सर्च कीजिए, जैसे अभी मैं पबजी सर्च कर रहा हूँ, पबजी सर्च करने के बाद मुझे इतने सारे इमेजेस मिल गए, वो भी HD क्वालिटी में, और एकदम सिंपल है, डबल टैप करो और आपके मोबाइल में होम स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको लाइव वॉलपेपर्स रखने का भी मौका मिल रहा है एकदम इजीली, सिर्फ सिलेक्ट कीजिए कोई भी लाइव वॉलपेपर आपको अच्छा लगा और वहाँ पे सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर दीजिए, फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगा होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, तो जहाँ पे भी आपका ऑप्शन सिलेक्ट हो क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपके वॉलपेपर पे आपका इतना अच्छा लाइव वॉलपेपर सिलेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ में टिकटॉक का भी आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो इसके थ्रू, बहुत ईजी है, जाइए क्लिक कीजिए सेट एज वॉलपेपर और आपका बड़ी आसानी से टिकटॉक का वॉलपेपर सेट हो जाएगा। सोलो वेपन गाइड, तो गाइस आपको यहाँ पे कौन सा वेपन यूज करना है सोलो रैंक पुश में सबसे मेन होता है, क्योंकि आपको एक ही चांस मिलता है सामने वाले को मारने का। अगर आप एक चांस में सामने वाले को मार नहीं पाओगे तो वो आपको मार देगा, ठीक है। अभी आप क्लोज रेंज में M416 यूज करोगे और सामने वाला बंदा अगर UZI या M762 जिसका डैमेज रेट बहुत है, या AKM ऐसी कोई गन यूज करेगा तो डेफिनेटली वो आपको मार देगा, क्योंकि गाइस अभी इतने भी कोई नूब नहीं होते कि आप पहले फायरिंग रेट शुरू करो और वो आपके बाद शुरू करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों बंदे एक ही साथ फायरिंग करते हैं और जितना वो ये जिसका गन ज्यादा डैमेज देता है, जैसे कि अगर सामने वाला बंदा MK14 लेके आएगा डेफिनेटली वो आपको मार देगा, या AKM लेके आ गया M762, क्योंकि इन लोगों के फायरिंग डैमेज बहुत होता है और आप M416 से इन लोगों को किल नहीं कर पाओगे। एस सेम गाइज अगर आप SMG में UZI लेके जाओगे तो उसका फायरिंग रेट बहुत होता है, तो वो आसानी से सामने वाले को किल कर सकता है। तो गाइस शर्मा ने बताया था कि वो ऑल द टाइम UZI यूज करता था सामने वाले बंदे को मारने के लिए, तो UZI इज द बेस्ट वेपन अगर आप सोलो खेल रहे हो, क्योंकि उसकी फायरिंग रेट बहुत है। वो एक थर्ड टिप है कि आप हमेशा गाड़ी को लेके घूमो, मतलब डासिया या USG आपके साथ ही रहनी चाहिए। गाइस लास्ट ऑप्शन है बगी को लेके जाइए, सबसे पहला प्रेफरेंस डासिया या USG रहनी चाहिए आपको, क्योंकि गाइस सोलो और डिओ में गाड़ी सबसे मेन होती है, क्योंकि गाड़ी से ही आप लोकेशन चेंज कर पाओगे इजिली, और साथ ही साथ में गाड़ी आपको मदद करेगी 6 जोन या 7 जोन में कवर बन के आप इसको यूज कर सकते हो, ये तो सबको पता ही होगा डेफिनेटली। और गाड़ी के बहुत सारे फायदे हैं, 6 और 7 जोन में आप स्नेक्स को इजिली किल कर सकते हो। गाइस कोई स्नेक पूरा का पूरा
पूरा स्प्रे डाल ही नहीं सकता बोनेट पे, क्योंकि गाइस किसी का एम इतना अच्छा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये स्क्वाड में आप नहीं कर सकते, लेकिन सोलो डियो में डेफिनेटली कर सकते हो गाइस। जब तक आपकी गाड़ी में से धुआं निकलेगा तब तक आप स्नेक को किल कर लोगे इजीली, तो गाइस ये गाड़ी बहुत मदद करती है। तो गाइस फोर्थ टिप, डोंट यूज बोल्ड एक्शन, यानी कि कान 98 के स्नाइपर जैसी कोई गन यूज मत करना, क्योंकि सपोज आप क्लोज रेंज में किसी के साथ फाइट लेते हो और आपने कोई यूजी या M416 या कोई भी गन एक से प्री फायर करने में बहुत गोलियां वेस्ट कर दी, सामने वाला मर नहीं रहा, तभी आप उसके सामने रिलोड नहीं मार सकते, डेफिनेटली वो मार देगा जब तक आप रिलोड करोगे। उसके बजाय आप सेकेंडरी गन निकाल के वापस स्प्रे देना शुरू करोगे तो डेफिनेटली वो मर जाएगा, तो आपके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप बोल्ड एक्शन यूज करते हो तो आप कहां से निकालोगे, आपको रिलोड मारना ही पड़ेगा M416, तो आप किल हो सकते हो सामने वाले प्लेयर से। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि गाइस आपको दोनों के दोनों गन स्प्रे वाली रखनी ही होगी। डोंट गिव पिक टू स्नाइपर, इसका मतलब होता है कि सपोज आपके पास M762 या M416 दोनों गन है और आपके पास बोल्ड एक्शन नहीं है, तब सामने वाला बंदा आपको कॉन्फिडेंटली पिक दे रहा है, तब उसको पिक मत करो आप, वरना वो आपको मार देगा। क्योंकि समझने की बात है गाइस, आपको प्लेयर्स को देख के पहचाना पड़ेगा कि इतना अच्छा प्लेयर है इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंटली पिक दे रहा है, और अगर आप जरा सा भी पिक करोगे वो मार देगा आपको। तो सबसे पहली चीज, जब आप पिक देने जा रहे हो मेक श्योर आपके पास Level 3 का हेलमेट हो, वेस्ट हो, एकदम क्लियर, नो डैमेज एट ऑल, ताकि और फुल बूस्ट रहना चाहिए आप। अगर आप फुल बूस्ट हो तभी भी गाइस सामने वाले के पास ऑम है तो वो Level 3 का हेलमेट पूरी तरीके से किल कर सकती है और आप भी किल हो जाओगे। तो गाइस पूरा का पूरा समझ के खेलिए और एक जगह से बार बार पिक मत दीजिए, विंडो चेंज करते रहिए, पोजीशन चेंज करते रहिए। टाइम टू पुश फॉर किल्स, तो आपका सही टाइम कौन सा होना चाहिए पुश करने के लिए, ठीक है? तो अभी आप ड्रॉप लोकेशन लेते हो, लूटते हो, उसके बाद आपको कब पुश करना चाहिए? अभी आपको फोर्थ जोन तक सामने से किसी पे पुश नहीं करना है, अगर आप पे पुश आता तो डेफिनेटली आपको किल तो करना ही पड़ेगा एनिमी को, आप भागिएगा मत, किल कीजिएगा, ठीक है? भागोगे तो आपका नुकसान होगा क्योंकि गाइस वो आपको आसानी से मार देगा। आपको हमेशा जब सामने से पुश आता है तब मारना चाहिए। और फोर्थ जोन के बाद आपको मैं चार्ट बना के दिया हूँ, प्लेटिनम पे 30 बंदे और डायमंड पे 20 बंदे और क्राउन पे 15 बंदे, तभी आपको फाइट लेना है सामने से जाके उन पे, ठीक है? अगर आपको KD बढ़ाना है तो, बाकी आपकी मर्जी है। टिप 7, यूज स्मोक फॉर रिमूविंग कार। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक घर पे होल्ड करते हो तब आपके एनिमीज आपकी गाड़ी की तरफ एम लेके बैठे रहते हैं, पता नहीं कोई ना कोई जगह से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली गाड़ी में बैठ जाओगे तो पूरा का पूरा स्प्रे खाली कर देगा सामने वाला बंदा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है कि स्मोक करना है, स्मोक का खुलने का इंतजार करना है। जैसे स्मोक खुल जाता है तभी आराम से पूरा का पूरा उसको थोड़ा डार्क होने दो स्मोक को, जैसे ही वो डार्क हो जाता है तभी आपको नीचे आना है, फटाफट गाड़ी में बैठ के आपको लोकेशन चेंज करना है वहाँ से। इसमें फायदा होता है कि गाइस आपका एनिमी जो रहेगा वो एक साइड से आपका पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा व्यू, और आपका एनिमी स्प्रे नहीं डाल पाएगा आपके, और आपको गाड़ी हमेशा इस तरीके से चलानी ताकि एक स्प्रे में आप ना आ जाओ। एट टिप, ऑलवेज चेक बिफोर रशिंग। मतलब सपोज आपको एनिमी मिल गया है तो अभी आपको क्या करना होता है कि डायरेक्ट ठोक के घुसना नहीं होता घर में, आपको पूरा घर चेक करना होता है। ये सोलो डियो का अलग सीन होता है, आप स्क्वाड में ये ट्रिप्स ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे सपोज देखो, जैसे मुझे आवाज़ आ गई कि ये वाले घर पे कोई बंदा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से गाड़ियाँ गोल गोल घुमाऊंगा, पूरा लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लूंगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं पूरे अपार्टमेंट्स में, ठीक है? यहाँ पे कोई स्क्वाड हाउस में है कि नहीं, मुझे डेफिनेटली आवाज़ आ जाएगी उनके पैरों की। तो पूरा समझना है आपको कि कौन से घर में कौन कौन बंदा है, ताकि आप पे थर्ड पार्टी ना हो जाए। आप फाइट करने के लिए घुस जाओगे एक के शिकार में, लेकिन दूसरा कोई आपको मार देगा। तभी आपको क्या करना होता है कि पूरा लोकेशन समझना होता है, उसके बाद आपको मूवमेंट लेनी होती है। आपने देखा कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है और आपको इतना पता चल गया कि इतने फायरिंग में आपको इतना प्रेडिक्शन लेना चाहिए कि इतने फायरिंग में सामने वाला बंदा किल हो चुका है, ठीक है? आपको किल फिट्स पे भी नज़र रखनी होती है, तो आपको पता चल गया कि सामने वाला बंदा मर चुका है, तभी आपको पुश करना है सीधा उन पे, और जैसे आपको मौका मिले तब आपको मार देना उनको, ठीक है? तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से अपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे, इसलिए मैंने गाड़ी इतनी घुमाई थी। यूज कार इन लास्ट सर्कल, इसका मतलब लास्ट सर्कल, एकदम लास्ट सर्कल मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये 6th और 7th जोन और पॉसिबल हो तो 8th जोन में भी कर सकते हो आप। अभी इसमें क्या होता है कि देखो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे किल हो जाते बंदे आसानी से, आपको 6th और 7th जोन में गाड़ियाँ घुमाते रहनी है ताकि आप जो स्नेक्स रहते हैं 6th और 7th जोन में मोस्टली एजेस पे रहते, तो उनको आप किल कर सको आपकी गाड़ी के थ्रू। तो आप मेक श्योर करो कि आपके आसपास में जितने भी स्नेक्स आप किल करो, उसके बाद जाके आप एक पोजीशन पकड़ो वहाँ पे गाड़ी का कवर लेके। तो गाइस ये सारी की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स खुद चरबा ने दी है उसके कॉन्करर एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि गाइस उसने 144 मैचेस में 8.67 की KD के साथ कॉन्करर पुश किया था, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो गाइस आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत मदद करेगी अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे। तो गाइस बताने का क्या मेरा होता है, लेकिन आपको फॉलो भी करना होता है, तब जाके आपका अचीवमेंट होगा कॉन्करर विद ऑन KD। तो आप बेसिकली ये वीडियो तो मैंने खाली कॉन्करर पहुंचने के लिए बनाया था, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि 9 की KD किस तरीके से मेंटेन करनी है आपको कॉन्करर तक पहुंचते।
ये वीडियो अलग होगा, ठीक है। तो गाइस आप जाइए चरबाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके भी फिलहाल 6000 सब्सक्राइबर्स है, आप सब्सक्राइब कीजिए, देखते हैं कहां तक बढ़ता है। प्लीज 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 गाइस उसे जाके सब्सक्राइब कीजिए, वो गाइस 8K KD मेंटेन करने के लिए उसने बहुत मेहनत की ताकि आप लोग को कुछ हम लोग सिखा सके कि कैसे मेंटेन किया जाए 8.67 का KD। उसके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, तो गाइस बहुत कम आएगा आपको उसकी स्ट्रेटजीज। प्लीज 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 जाके उसे सब्सक्राइब कीजिए, तो वो और स्ट्रेटजीज बताएगा उसके वीडियोस में। गाइस इतने एक वीडियो में स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती, बहुत सारे वीडियोस बताने लगते हैं, वो गेम एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा, गेम सेंस बताएगा आपको किस तरीके से खेलना है, कौन कौन से टाइम पे पुश करना है, कौन कौन से टाइम पे स्मोक करना है, पूरा का पूरा गेम सेंस उसके पास है। तो गाइस जाइए सब्सक्राइब कीजिए, उसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है।